मुझे माता जी के डांडिया गरबा आदि से कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन माता जी का निमित्त लेकर, नवरात्रि का निमित्त लेकर, डांडिया गरबा के बहाने जो नुकसान हमारी युवा पीढ़ी को हो रहा है ना, तकलीफ उससे होती है। माता जी की आरती करने के बाद माता जी तो कहीं साइड में रह जाते हैं और फिर जो खेल शुरू होता है कहने जैसा नहीं है। भगवान के नाम से, धर्म के नाम से, माता जी के गर्भों के नाम से रात को जब पूरा ये खेल चलता है, सवेरे साफ सफाई करते तो दारूओं की बोतलें मिलती हैं। मुझे गरबा डांडिया या माता जी से तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ इन चीजों से है। कभी सच्चे डॉक्टरों से पूछना, इन दिनों के बाद ही, नवरात्रि के बाद ही 2-3 महीने तक अबॉर्शन के केसेस ज्यादा आते हैं। क्यों? अरे ये वासना का जो खेल चलता है ना, उसके बाद कई बच्चे जिनका जन्म भी नहीं होता है उनको पेट में ही, जिनकी उम्र शायद 1 हफ्ते भी नहीं होती है, 10 दिन नहीं होते, उनको खत्म कर दिया जाता है। उनकी मासूम चीख हमें नहीं सुनाई देती है। सच में भगवान के नाम से, माता जी के नाम से इस तरह का कार्य